नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता आलोक कुमार की खबर साहिबगंज से। चोरी हुए पिकअप वैन को नगर थाना पुलिस ने किया बरामद। जी हां, बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के कुलीपाड़ा निवासी समरुल हक पिता जियाउल हक ने अपने पिकअप को सेंट्रल स्कूल कुलीपाड़ा के पास से चोरी हो जाने के संबंध में लिखित आवेदन दिया था। नगर थाना को दिए गए आवेदन पत्र में समरुल हक ने जिक्र किया था कि वे और इसके दो और पार्टनर ने मुर्गी का व्यवसाय करने के लिए चोला बैंक से लोन लेकर पिकअप वैन खरीदे थे। समरुल हक के साथ उसके पार्टनर में प्रताप रंजन पिता परमानंद सिंह एवं धीरेंद्र यादव दोनों साक्षरता मोड़ जिड़वाबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के निवासी है। उधर घर के बाहर से पिकअप वैन की चोरी की घटना को लेकर नगर थाना में कांड संख्या 9/21 दिनांक 12 फरवरी धारा 369 भादवी दर्ज करते हुए छानबीन में पुलिस जुट गई थी। वहीं पिकअप वैन के चोरी हो जाने की सूचना पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजूर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। बता दें कि उधर नगर थाना क्षेत्र की पुलिस के तत्वरित कार्यवाही करते हुए शहर के चारों तरफ नाकाबंदी कर रात्रि में ही साक्षरता मोड़ स्थित प्रताप रंजन के घर के पीछे से उक्त पिकअप वैन को बरामद कर लिया। इस बात की जानकारी पुलिस लाइन में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजूर ने प्रेस वार्ता कर बताई है। वादी समरुल हक के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था कि उनका पिकअप वैन कुलीपाड़ा स्थित उनके घर वाले क्षेत्र से किसी ने चोरी कर लिया है। थाना प्रभारी और उनके टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात्रि में ही पिकअप वैन को बरामद कर लिया गया है और उससे संबंधित लोगों की तलाशी की जा रही है। कहाँ से बरामद हुई सर? साक्षरता मोड़ स्थित प्रताप रंजन के घर के पीछे से यह बरामद किया गया है।